नीचे काली बहू, ऊपर गोरी सौतन। ये लड़की देखो जरा, मुझे तो ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्या पंडित जी, आपको भी मेरे बेटे के लिए ऐसी लड़कियाँ मिलती हैं? ये सब लड़कियाँ कितनी गरीब हैं। गरीब लड़कियाँ हमेशा घर गृहस्थी अच्छे से संभालती हैं, इसलिए आपको इन लड़कियों के रिश्ते दिखा रहा हूँ। अगर आपको अमीर लड़की के परिवार से ही रिश्ता जोड़ना है तो मेरे पास एक लड़की और है, लेकिन आप उसे पसंद नहीं करोगी क्योंकि वो काली है। ऐसा कहने के बाद पंडित एक काले रंगत की लड़की की फोटो निकालकर शकुंतला को दिखाता है। ये लो बहन जी, पहले लड़की की फोटो देखो, उसके बाद सोचना। शकुंतला लड़की की फोटो देखने के बाद कहती है, अरे गोरे और काले रंग में क्या रखा है, अमीर खानदान की बेटी है, दहेज तो खूब सारा लेकर आएगी। पंडित जी आप बेझिझक रिश्ता पक्का कर दीजिए, मुझे ये लड़की पसंद है। शकुंतला की बात मानकर पंडित अगले ही दिन उसके बेटे का रिश्ता मालती की बेटी सलोनी से करवा देता है। बहुत जल्द सलोनी शादी करके शकुंतला के घर आ जाती है, लेकिन उसके बेटे विक्रम को सलोनी जरा भी पसंद नहीं आती। इसके चलते शादी के बाद विक्रम अपनी माँ के कमरे में जाता है और उनसे कहता है, माँ आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, आपने मेरी शादी इतनी काली लड़की से करवा दी। एक बार मेरे बारे में तो सोचती मैं कहाँ और ये लड़की कहाँ। काले और गोरे में क्या रखा है, ये देख तेरी काली बहू कितना सारा दहेज लेकर आई है और हमारा पूरा घर भर गया है, तुझे तो खुश होना चाहिए। आप बस अपना ही फायदा देखती हो, आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। ऐसा कहकर विक्रम वहाँ से चला जाता है। शादी के बाद ही विक्रम सलोनी को पत्नी होने का दर्जा नहीं दे पाता, क्योंकि उसे उसका काला पन जो है वो अंदर ही अंदर चुभने लगता है। और इसी बीच उसके ऑफिस में एक बहुत सुंदर और गोरी लड़की आती है, जिसे देखते ही वो उसके ऊपर लट्टू हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है, इतनी सुंदर और प्यारी लड़की, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड बननी चाहिए। तेरी शादी तो अभी ही हुई है, फिर तू क्यों लाइन मार रहा है। अबे क्या खाक शादी हुई है, अरे मेरे लायक ही नहीं है, इतनी काली है कि मेरा उसे देखने का भी दिल नहीं करता। ऐसा क्यों सोचते हो विक्रम, मेरे हिसाब से तो इंसान का दिल साफ होना चाहिए ताकि वह तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी निकाल सके। तुम्हारी फालतू बकवास मुझे नहीं सुननी, ये लड़की तो मेरे लायक है, मैं इसे पटा कर ही रहूंगा। विक्रम उस दिन के बाद से निशा को पटाने लगता है, वो उसकी हर एक छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखने लगता है। इसी दौरान ये सब देखकर निशा भी उसे पसंद करने लगती है। एक दिन विक्रम निशा को एक कॉफी कैफे लेकर जाता है और निशा से कहता है, देखो निशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं नहीं चाहता कि मुझे तुमसे इस तरह छुप छुप कर मिलना पड़े। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही। दरअसल बात यह है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है, वो किसी और से प्यार करती है, इतनी काली है कि क्या बताऊँ, लेकिन चरित्र से अच्छी नहीं है। ये सुनकर निशा का दिल पिघल जाता है और वो विक्रम से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद विक्रम उसे अपने घर ले आता है। माँ इससे मिलो, ये आपकी बहू है। निशा को देखते ही शकुंतला हैरान रह जाती है और अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा ये तूने क्या किया, तूने एक बार भी अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा, तू उसके होते हुए दूसरी पत्नी कैसे लेकर आ सकता है। माँ मैं और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम इसीलिए शादी करके आए हैं, आपकी पसंद की हुई लड़की को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो मेरे लिए मेरी पत्नी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे तो एक बार मुझसे तो पूछ लेता, अब इतनी सुंदर बहू लाया है तो मैं से मना थोड़ी कर सकती हूँ। आओ बहू अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। शकुंतला के कहते ही विक्रम बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी निशा को लेकर अंदर आ जाता है। जा बेटा अपनी पत्नी को ऊपर वाले कमरे में ले जा। शकुंतला के इतना कहते ही वहाँ पर सलोनी आती है। ऊपर वाले कमरे में, माँ जी ये लड़की कौन है और आप इसका सामान मेरे कमरे में कैसे भिजवा सकती हो। निशा मेरी पत्नी है और अब से वो ऊपर मेरे कमरे में ही रहेगी। ये सुनते ही सलोनी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो रोते हुए कहती है, एक पत्नी के होते हुए भी आप दूसरी पत्नी कैसे लेकर आ सकते हो, ये तो मेरे खिलाफ साजिश हो गई, आप ऐसा कैसे कर सकते हो विक्रम जी। तुम्हें मैंने अपनी पत्नी कभी भी स्वीकारा ही नहीं, अरे शक्ल देखो अपनी, तुम क्या मेरी पत्नी बनने के लायक हो। हाँ वो तो माँ की वजह से शादी की थी, उन्हें तुम्हारे घर से खूब सारा दहेज जो मिल रहा था। ये सुनते ही बेचारी सलोनी को बहुत बड़ा सदमा लग जाता है और वो रोते हुए अपनी सास से कहती है, आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, क्यों माँ जी क्यों, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे ये सोचकर मैंने तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया, वरना तुझसे तो कोई शादी भी नहीं करता, मुझे तेरे बारे में सब पता है, कई सालों से तेरी कहीं शादी नहीं हो रही थी, तेरा बाप और तेरी माँ भी तेरी शादी करवाने के लिए परेशान थे, अब तो तेरी शादी हो गई है, वैसे अगर तू घर से जाना चाहती है तो चली जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक बार माँ जी मेरे बारे में सोचो ना, मैं घर के अलावा कहाँ जाऊंगी। मेरे माता पिता मुझे इस हालत में देखते ही जीते जी मर जाएंगे। मुझे इसी घर में रहने दीजिए माँ जी। तभी निशा कहती है, अरे माँ जी रहने दीजिए ना, वैसे भी इस घर के अंदर एक नौकरानी की जरूरत तो होगी ही। मैं ऊपर रह लूंगी और ये नीचे रह लेगी। ओए सुन काली गलूटी, अपना सारा सामान मेरे कमरे से जल्दी से निकाल कर नीचे ले आ, वरना मैं ऊपर से नीचे फेंक दूंगी। आज से ऊपर मैं रहूंगी अपने पति के साथ, तू नीचे रहेगी। इस प्रकार निशा को एक बढ़िया सा कमरा मिल जाता है, तो वहीं बेचारी सलोनी को एक गंदे से कमरे में रहना पड़ता है। ऊपर से घर के सारे काम भी उस बेचारी को ही करने पड़ते हैं। दोनों सास और सौतन मिलकर बेचारी के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं। तुमने मेरे कपड़े अभी तक नहीं धोए, अरे कर क्या रही थी तुम सुबह से? जब देखो आलतू फालतू के कामों में लगी रहती हो, कभी भी कोई काम सही से नहीं करती। आज मैं सारे कपड़े धो दूंगी तुम्हारे, चिंता मत करो, और घर की साफ सफाई भी कर दूंगी। सलोनी बेचारी घर के सारे काम करती है, लेकिन जैसे जैसे निशा और विक्रम की शादी को थोड़ा समय होता है, उन दोनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और इसी बीच सलोनी विक्रम का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, जिसके चलते विक्रम को सलोनी के लिए ममता आना शुरू हो जाती है। पता नहीं क्यों मैंने तुमसे शादी कर ली, जब देखो तो लड़ती ही रहती हो, और कोई काम तो है नहीं तुम्हें। अगर इतनी ही दिक्कत है तो जाओ, चले जाओ मेरे कमरे से, बाहर निकलो, और दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। निशा ऐसा कहकर विक्रम को उसके कमरे से ही निकाल देती है, जिसके बाद विक्रम को बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ऐसे ही लड़ाई होने के चलते उनके कुछ दिन और गुजर जाते हैं, और एक दिन निशा किसी और लड़के के लिए विक्रम को छोड़कर चली जाती है। इस बात का पता चलते ही विक्रम बहुत रोता है, और रोते हुए वो सलोनी के पास आता है। निशा इतनी सुंदर थी और गोरी थी, जिसके चलते मैं उसके प्यार में पड़ गया। मैंने उसे सब कुछ देने की कोशिश की और अपना सबसे ज्यादा प्यार उसको दिया, लेकिन उसने भी मुझे धोखा दिया और मुझे छोड़कर चली गई। ऊपर से मैंने तुम्हें भी धोखा दिया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, ऊपर वाली चली गई तो नीचे वाली तो हमेशा आपके लिए ही थी। सलोनी की ये बात सुनकर विक्रम उसे गले लगा लेता है। उस दिन के बाद से विक्रम उसे अपनी पत्नी का दर्जा देता है। इस दौरान उसकी सास शकुंतला का भी बर्ताव चेंज हो जाता है, और शकुंतला भी सलोनी से माफी मांगती है, जिसके बाद सलोनी अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, जय माँ दुर्गे, माँ मेरे घर की खुशी को बनाए रखना। रोज की तरह पार्वती घर के मंदिर में पूजा कर रही होती है, तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। आस्था बहू, अरे वो आस्था बहू, ये बहू भी ना एक बार में नहीं सुनती है, लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। पार्वती पूरे घर में आरती दिखाते हुए दरवाजा खोलती है, जहाँ राघव सर से पांव तक बुरखा पहने मुस्लिम माहिर के साथ खड़ा होता है। राघव तू ये किस मुसलमानिनी को घर ले आया है, अभी के अभी लेकर जा इसे यहाँ से। माँ मैं इसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकता, ये अब इसी घर में रहेगी हमारे साथ। मैं एक मुसलमानिनी को अपने घर में कभी नहीं रहने दूंगी। अरे ओ लड़की छोड़ मेरे बेटे का हाथ और जा यहाँ से। ये कहकर पार्वती माहिर को धक्का दे देती है। माँ ये इस घर से नहीं जाएगी, और अगर जाएगी तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा। तू इस मुसलमानिनी लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़कर जाएगा, आखिर ये लड़की तेरी लगती क्या है। माँ माहिरा मेरी पत्नी है और इस घर की बहू। ये सुनकर पार्वती के हाथों से आरती की थाली छूट जाती है, तभी घर के बाकी लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या हुआ भाग्यवान? ये पूछो क्या नहीं हुआ, हमारे बेटे ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, उसने एक हिंदू होकर इस मुसलमानिनी से शादी कर ली, अब किस मुंह से हम लोगों के सामने जाएंगे। मेरी एक बात सुन ले राघव, मैं मरते दम तक इस मुस्लिम लड़की को अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। अम्मी जान हमारी बात तो सुने, अल्लाह के लिए हमें खुद को साबित करने का एक मौका तो दें। माहिर के लाख कहने पर भी कोई उसकी नहीं सुनता, और सब वहां से चले जाते हैं। अगले दिन माहिर सुबह सवेरे उठकर नमाज पढ़कर दुआ करती है। या अल्लाह सुना है तेरे घर में देर है अंधेर नहीं, रहम कर खुदा ताकि मैं अपने रूठे हुए ससुराल वालों को मना सकूं। माहिर पूरे घर मंदिर की सफाई करके सभी के लिए चाय नाश्ता बना रही होती है, तभी पार्वती और आस्था किचन में आते हैं। किससे पूछकर तूने मेरी किचन में कदम रखा? अम्मी जान आप खफा क्यों हो रही हैं? मैं तो बस सभी के लिए खाना बना रही थी। तूने सोचा भी कैसे कि मैं या मेरा परिवार तुझ मुसलमानिनी के हाथ का बना हुआ खाना खाएगा? अरे हम हिंदू तुम मुस्लिमों के हाथ का पानी पीना भी पाप समझते हैं। अरे हमारे त्योहार पकवान और मिठाइयों से मनाए जाते हैं, और तुम लोग बेजुबान जानवर को मार कर खुशी मनाते हो, फिर चाहे ईद हो या बकरीद, तुम्हारे हाथ मांस मच्छी में सने होते हैं। आस्था बहू देख क्या रही है, उठा ये सारा खाना और इस कूड़े में फेंक दे। जी माँ जी,
ठहरिए बाजी, इस खाने को कूड़े में मत फेंकिए, इससे अच्छा हम उसे किसी गरीब को खाने को दे देंगे। आस्था माहिर की एक नहीं सुनती और खाना कूड़े में फेंक देती है। तभी उस खाने को माहिर उठाकर घर के बाहर ले जाती है। तभी एक बकरी और उसका मेमना उसके पास आकर मिमियाने लगते हैं। या अल्लाह, ये बकरियां तो भूखी लगती हैं, ये खाना इन्हें खिला देती हूँ। माहिर बड़े ही प्यार से खाना बकरियों को खिलाते हुए उन्हें सहलाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। वो बकरियां अब हर रोज उस घर के दहलीज पर आकर घंटों तक ये आस लिए मिमियाती रहती हैं कि शायद उन्हें कुछ खाने को मिल जाए। बाबूजी, ये बकरियां किसकी है, रोज यहाँ चली आती है? वो माहिर बहू इन्हें रोटी खिलाती है, बस इसलिए आती है। वैसे जो भी है, माहिर दिल की बड़ी बही है। ये माहिर का भला स्वभाव ही था जो रामनाथ और यश उसे परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। समय बीतता जा रहा था। अब बकरीद का त्योहार आने को था। बकरीद का त्योहार आने को है, मुझे अम्मी जान से बात करनी होगी। माहिर अपनी सास के पास जाकर उससे कहती है, अम्मी जान, बकरीद आने वाली है। ये ससुराल में मेरी पहली बकरीद है। इस मौके पर गरीबों में खैरात बांटना बहुत ही नेक परस्त काम होता है। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं उन्हें खैरात बांट सकूं और बकरीद की तैयारी अभी से कर सकूं। ठीक है, मैं तुझे पैसे दे दूंगी, मगर उसके लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त अम्मी जान? तू इस बकरीद के बाद मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। ये सुनकर माहिर की आंख आंसुओं से भर जाती है और वो रोते हुए कहती है, अल्लाह के लिए ऐसा ना कहें अम्मी जान, हम राघव से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हम उनके बगैर नहीं जी पाएंगे। अगर तुम देवर जी से इतना ही प्यार करती हो तो छोड़ दो अपना कौम और कुरान और हिंदू बन जाओ हमेशा हमेशा के लिए, फिर हम तुम्हें इस परिवार का हिस्सा बना लेंगे। बाजी, आपको तकाजा भी है कि आप मुझसे मेरी शनाख्त छोड़ने को कह रही हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती, और जब मैं मुस्लिम होकर आप लोगों को अपना मान सकती हूँ तो आप लोग मुझे क्यों नहीं कबूल कर सकते? हाँ, एक तरफ तो तुम देवर जी से प्यार करने के दावे कर रही हो और दूसरी तरफ उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती। रहने दे आस्था बहू, ये मुसलमाननी क्या जाने रिश्तों का मोल। अब बकरा ईद मनाना तो दूर, मैं तुझे अपने घर का एक दाना भी नसीब नहीं होने दूंगी ताकि तू मेरे घर से चली जाए। उस रात सभी साथ मिलकर खाना खा रहे थे, मगर माहिर भूखी प्यासी अपने कमरे में बैठी रही। बड़ी बहू, क्या बात है, छोटी बहू दिखाई नहीं दे रही। क्यों जी, तुम क्यों उस मुसलमाननी को इतना खोज रहे हो? हाँ, मैं तो बस पूछ रहा था। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। मजी, इतना खाना बच गया है, क्या करूँ, ये देवरानी जी को दे आऊँ? कोई जरूरत नहीं है बड़ी बहू, उस मरजानी मुसलमानिनी को खिलाने से अच्छा ये खाना गली के कुत्तों को डाल दे। ऐसे ही एक दिन करके बीतता गया, जहाँ एक तरफ सभी मुस्लिम परिवार बकरीद के लिए नए नए कपड़े, मिठाइयाँ और अपनों को देने के लिए ढेरों तोहफे खरीद रहे थे, वहीं माहिर को मुस्लिम होने के कारण खुशी के उस बड़े मौके पर दाने दाने के लिए तरसाया जाता है। बावजूद इसके उस मुस्लिम बहू ने हौसला नहीं छोड़ा और घुटने टेक कर भूखी प्यासी रोते हुए हाथ उठाकर अल्लाह से कहती रही, या अल्लाह, अपने ससुराल में पहली बकरीद को लेकर मैंने कितने ख्वाब देखे थे, मगर ये कैसी घड़ी है। हर साल मैं बकरीद पर गरीबों को खैरात बांटती थी, भूखों को खाना खिलाती थी, मगर इस साल की बकरीद मुझ बहू के लिए जैसे कयामत बन गई है। रहम कर खुदा, तेरी नेमत बड़ी है, कुछ ऐसा करके मेरे ससुराल वाले मुझे बहू कबूल कर लें। माहिर रोते हुए बोझिल मन से दुआ करती, तभी अचानक से उसे कमरे के बाहर से चीखने की आवाज आती है और वह बाहर आकर देखती है कि रसोई घर आग की लपटों में लगातार जल रहा है और आग घर के हिस्से में फैलती जा रही है। हे माता रानी, ये क्या हो गया? माँ जी उठिए। या अल्लाह बाजी, ये सब कैसे हुआ? माहिर, किचन में अचानक सिलेंडर फट गया है, लगता है आज हम सब मर जाएंगे। लगातार आग और धुआं बढ़ता जा रहा था। माहिर सभी को घर से बाहर बचा कर लाती है। इतने में फायर ब्रिगेड वाले आकर आग बुझाते हैं। भूखी प्यासी माहिर अपने ससुराल वालों की सलामती की दुआएं मांग रही थी। काफी देर बाद सभी होश में आते हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरी दुआ सुन ली। अम्मी जान, अब्बू जान, आप सब ठीक हैं? माहिर बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मुस्लिम जानकर तुझे ठुकरा दिया, तेरे साथ गलत किया, मगर तूने हमें आज जिंदगी दी है, अब हम सब साथ मिलकर बकरीद मनाएंगे। ये सुनकर मुस्लिम बहू की आंखें खुशी से भर आती हैं, जिसके बाद पार्वती अपनी मुस्लिम बहू माहिर को उसकी पसंद के नए कपड़े गहने खरीदती है। वहीं आस्था सभी के लिए बकरीद पर खास पकवान बनाती है और सभी बकरे की कुर्बानी के साथ अल्लाह का नाम लेकर एक दूसरे के साथ बकरीद की खुशियां बांटते हैं।